हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। आज है 15 सितंबर और है शनिवार। तो फ्रेंड्स सॉरी, थोड़ा सा ये लेक्चर लेट हो गया। जो लोग रेगुलर लेक्चर देखते थे उन्होंने मुझे काफ़ी मैसेज भी आए हैं, काफ़ी बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं और काफ़ी कमेंट भी आए हैं कि सर लेक्चर लेट क्यों हो गया। चलिए आज का जो लेक्चर फिर वहीं से शुरू करते हैं, मोटिवेशनल कोट से। और जो हमारा मोटिवेशनल कोट मैं डेली क्यों देता हूँ, इससे आपको जो क्या एनर्जी मिले और आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। किसी का कोई भी डाउट या क्वेरी तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए मोटिवेशन कोट शुरू करते हैं। सक्सेस इज फॉलिंग 9 टाइम एंड गेटिंग अप 10। मतलब सक्सेस क्या होती है फ्रेंड्स, अगर आप 9 बार गिर चुके हैं तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, 10वीं बार खड़े होकर फिर आप अगर उठ गए तो वही आपकी सक्सेस है। तो आपको मेहनत करनी चाहिए फ्रेंड्स, मेहनत करने से क्या आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट है करिए तो नीचे कमेंट करते रहिए। और फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर बहुत अच्छा है, इसमें मैं काफ़ी कुछ लेके आऊँ और इस लेक्चर के लास्ट में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो SSC एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उनमें वो क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन डाले हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो हमारे लेक्चर सीरीज शुरू की गई है टारगेट 2018-19 के लिए, सभी एग्जाम्स के हम लेक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, सभी एग्जाम्स की हम तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करें उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद फाइनल बेल आइकन इस तरह का प्रतीत होना चाहिए, इससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों में से पोस्ट के बारे में नहीं देखा तो फ्रेंड्स मैंने आज दो नए नोटिफिकेशन अपलोड किए हैं। एक में जो 17,000 पोस्ट है फ्रेंड्स तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। एक में 539 पोस्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक दो नोटिफिकेशन मैं और भी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर तक, वो भी आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। काफ़ी जॉब के बारे में नोटिफिकेशन है, आप लोग अप्लाई कर दीजिए, आप लोग अगर एलिजिबल है तो देख लीजिएगा, सभी मैंने बताया हुआ है। चलिए कल मैंने पूछा था कि महाराष्ट्र किस किस स्टेट को टच करता है। गुजरात नंबर 1, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 तेलंगाना और 5 कर्नाटका एंड 6 गोवा। तो कई बार ऑप्शन के अंदर 5 लिखा होता है, 6 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, हम कई बार 5 टच करते थे। क्यों? क्योंकि गोवा छोटा सा है, हमारे माइंड में नहीं आता। जब हम आंखें बंद करके सोचते हैं तो हमारे माइंड में नहीं आता कि गोवा भी महाराष्ट्र को टच करता है। तो 6 स्टेट टच करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिए। और मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि यूपी के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, यूपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 नेशनल पार्क है, याद रखिए, उसका नाम क्या है, दुधवा नेशनल पार्क, जो 1977 के अंदर ऐड किया गया था। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए कल वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। कैपिटल क्या है एंगोला की? लुआंडा। और करेंसी क्या है एंगोला की? कुआंजा। तो आप ये याद रखिए, कई बार SSC के अंदर इस तरह से बदतमीजी कर ली जाती है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एम्बलम ऑफ कनाडा, व्हाइट लिली। तो याद रखिए फ्रेंड्स, नेम ऑफ अल्बानियस पार्लियामेंट, पीपल्स असेंबली। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं क्यों करवाता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग UPSC, HCS या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये तो नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग शायद SSC के लिए भी अपीयर होंगे, कोई स्टेट्स का एग्जाम और निकल रहा है आप उसके लिए भी अपीयर होंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ कि ये क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। चलिए हमारा जो दैनिक जागरण का एनालिसिस शुरू करते हैं और इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, आज मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। तो सबसे पहला है समय पर सही कदम। तो ये किस बारे में फ्रेंड्स, ये आर्टिकल है जो सारा अभी आप लोगों को पता है कि जब धान की खेती करते हैं तो उसमें पराली निकलती है। अब पराली क्या होती है, धान की खेती जब हम धान निकाल लेते हैं उसके बाद कुछ उसका वेस्ट बच जाता है, उसको हम पराली बोलते हैं। इसको जलाने के साथ क्या होता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन जगह पर जब इनको जलाते हैं तो फ्रेंड्स ये सारा धुआं कहाँ इकट्ठा हो जाता है, दिल्ली के ऊपर। तो दिल्ली के ऊपर धुआं इकट्ठा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है क्योंकि दिल्ली में वैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से दिल्ली के अंदर इतनी इंडस्ट्री है कि पॉल्यूशन ही बहुत ज़्यादा है। और जब ये धुआं इकट्ठा हो जाता है तो दिल्ली में सर्दियों के अंदर कई कई दिन तक दिखना बंद हो जाता है और जो हमारे वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक हो जाता है ऊपर से, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इस वजह से जो आर्टिकल आया हुआ है, क्योंकि अभी फिर सर्दियाँ आने वाली हैं और अभी धान की कटाई शुरू होने वाली है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर धान की कटाई शुरू की जा चुकी है, बाकी स्टेट्स के अंदर भी जल्दी धान की कटाई शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से आया हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी इसमें क्या है कि फिर वही सेम प्रॉब्लम, हर बार यही होता है कि दिल्ली के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है और सरकारें क्या कहती हैं कि इस बार हमने पैसे अलॉट कर दिए, अगली बार से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके अंदर भी क्या कहा जा रहा है कि सेंटर बहुत सारी स्कीमें बना रहा है लेकिन उन स्कीमों को क्या इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इस बारे में कभी किसी ने गौर नहीं की। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को क्या स्कीमें अलॉट कर दी कि आपके लिए ये स्कीम है, ये स्कीम है, राज्यों ने भी स्कीमें बना ली हैं, क्या उन स्कीमों को कभी इम्प्लीमेंट किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया तो उनका रिजल्ट क्या निकला? या अगर उन स्कीमों में कोई कमी थी जो भी आपने चलाई थी तो उनमें कोई कमी थी तो उनको दूर करने की कोशिश की गई? तो इस बारे में राइटर पूछ रहा है। तो इसके बारे में कोई जवाब नहीं होता किसी के पास, सरकारें भी यही कहते हैं। और सेंटर कई बार काफ़ी ग्रांट दे देता है लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो उस ग्रांट का मिसयूज़ कर लेती हैं, कहीं और यूज़ कर लेती हैं और जो उसके अंदर दिखा दिया जाता है कि हाँ हम लोगों ने ये काम कर दिया है, हो गया है।
तो अब क्या वाकई में ये चीज़ें हैं? तो अभी आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, क्या झूठ बोल रही हैं सरकारें या सच कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राइटर्स में क्या कह रहा है, जो चारों आर्टिकल है उसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि आजकल क्या हो रहा है कि हर चीज़ को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। कोई भी काम है, देश की तरक्की, सफाई, कोई भी चीज़ है, उसको राजनीति। बताओ अगर एक सरकार उसको करने में असमर्थ रही तो दूसरी उसकी टांग खींचना शुरू कर देगी कि आप लोगों ने ये काम नहीं किया, आप लोगों ने वो काम नहीं किया। तो फ्रेंड्स, क्या सरकारों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो देश के लिए काम करें? तो उनका फ़र्ज बनता है। तो इसी बारे में कहा जा रहा है कि अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि कितना काम किया है राज्य सरकारों ने और कितना काम किया है सेंटर की सरकार ने। अभी 2018 के अंदर पता लग जाएगा कि जो ये वादे किए जा रहे थे, बड़े बड़े काम कहा जा रहा था कि हमने ये कर दिया, हमने मशीनें अलॉट कर दी, तो क्या इसके बारे में भी कुछ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। दूसरा, इसके अंदर राइटर क्या बात कर रहा है, राइटर बात कर रहा है कि हमारे यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन चार राज्यों के अंदर जल की काफ़ी कमी है, भूजल की कमी, जो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे धान उगाना कोई ज़रूरी तो नहीं है, तो फिर यहाँ पे किसान धान क्यों उगाते हैं? तो इस बारे में राइटर कह रहा है कि हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, यहाँ तक कि सरकारों को विचार करना चाहिए कि कोई इस तरह की पॉलिसी लाई जाए कि जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, जहाँ पे ग्राउंड वाटर कम है, तो वहाँ पे इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। वहाँ पे धान उगाना कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे धान ना उगाया जाए। और अगर धान उगाया जाएगा तो दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, एक ग्राउंड वाटर की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, एंड सेकंड दूसरी क्या बात है कि जो दिल्ली के अंदर स्मोक हो जाता है, स्मोक प्लस फोग, वो कम हो जाएगा। तो दो फायदे हैं फ्रेंड्स, तो ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए सरकारों को, राज्य सरकारों को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए और सेंट्रल सरकारों को लानी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन इसी में से बन जाता है कि एग्रीकल्चर वो स्टेट सब्जेक्ट है या सेंटर के सेंट्रल लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट है, बताइए फ्रेंड्स। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि जो चीज़ राज्य स्टेट लिस्ट के अंदर है उस पर जो लॉज है वो स्टेट बना सकता है, जो यूनियन के अंदर है उसके अंदर दोनों बना सकते हैं, और जो सेंट्रल लिस्ट है उसके अंदर सिर्फ सेंटर बना सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि एग्रीकल्चर किस लिस्ट के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट, अदूरदर्शी नेतृत्व के दुष्परिणाम। तो फ्रेंड्स, अदूरदर्शी मतलब इन्होंने जिन्होंने हमारे देश को नींव रखी है, उन्होंने दूर की नहीं सोची, तो इसकी वजह से हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये देख लीजिए, भारत दिखाया गया है, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, तो ये चारों चीज़ें तीन चीज़ें दिखा रखी हैं। इसमें जो हमारे राइटर है आर विक्रम सिंह, तो ये क्या कह रहे हैं, आज अगर हमें चाबार ईरान से होते हुए काबुल अफगानिस्तान का रास्ता तय करना पड़ रहा है तो पुरानी भूलों के कारण। तो इसके बारे में क्या राइटर कह रहे हैं कि जो चाबार के अंदर हमने एक पोर्ट डेवलप किया, बंदरगाह डेवलप किया है ईरान के अंदर, चाबार बंदरगाह, तो वो हमें क्यों डेवलप करनी पड़ी, हमने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया के साथ रिलेशन बनाने थे, वहाँ पे अपना कारोबार करना था, वहाँ पे हमने अपना जो है सामान बेचना था, वहाँ से सामान खरीदना था, और वहाँ पे हमें बड़ी बात है कि हमने सामान बेचना था सेंट्रल एशिया में और अफगानिस्तान के अंदर, तो हमें इस पोर्ट की ज़रूरत पड़ी। तो ये राइटर कह रहे हैं कि हमें इस पोर्ट की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, क्योंकि हमारा अफगानिस्तान है जो है वो 70 किलोमीटर तक भारत के साथ लगता है, जो हमारा पॉक ऑक्यूपाइड एरिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसके साथ लगता है। तो इसके बारे में राइटर जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप लोग क्या कीजिए, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, आपके आगे भी एग्जाम के अंदर काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, जब माउंट बैटन प्लान शुरू किया गया था तो उसके अंदर क्या था कि माउंट बैटन कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया बिल्कुल आज़ाद हो, इंडिया को हमारी ज़रूरत ना पड़े। दूसरा, कुछ यूएसए के लोग भी इनके साथ मिले हुए थे, यूएसए का भी कुछ प्रेशर था माउंट बैटन के ऊपर और लोगों के ऊपर, जो लोग हमारे उस टाइम पे 1947 के अंदर हमारे साथ थे, जिन्होंने हमारी हेल्प की, तो उनके ऊपर किसका प्रेशर था, यूएसए का। यूएसए कभी नहीं चाहता कि इंडिया है वो बिल्कुल आज़ाद हो जाए। अभी फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हमारा रक्षा का बजट, जो हमारा डिफेंस का बजट है, वो बहुत हाई जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही मुद्दा है, कश्मीर। अभी कश्मीर हमारा, आधा कश्मीर चाइना ने ले लिया है और आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है और आधा कश्मीर हमारे पास है, तो तीन जगह पे हिस्से हो गए हैं। तो अभी हमारा बजट किस लिए खर्च हो जाता है कि वो जो पूरी हमारी जो हमारी वो बाउंड्री है उसको सिक्योर करने में हमारा काफ़ी बजट चला जाता है। तो यूएसए कभी नहीं चाहता कि हम नंबर वन इकोनॉमी बने। अगर आप लोगों को पता है कि एंशियंट टाइम पर भारत सबसे अमीर देश हुआ करता था, अभी हम अमीर क्यों नहीं है, क्योंकि यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, इन लोगों ने हमारा ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रखा है, हमारा काफ़ी बजट इस डिफेंस में चला जाता है। दूसरा, यूएसए कभी नहीं चाहता कि हम हमारा ध्यान कश्मीर से हटके किसी और जगह पर जाए। अगर हम अपना जो काफ़ी पैसा कश्मीर पर खर्च करते हैं तो हम यूएसए से पीछे रह जाते हैं। अगर हम लोग वो सारी चीज़ें छोड़कर अगर अपना दूसरी तरफ ध्यान दें तो हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, हम यूएसए को भी पीछे छोड़ सकते हैं, चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन चाइनीज़ लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम आगे आएँ, यूएसए वाले कभी नहीं चाहेंगे कि हम आगे हैं, क्योंकि वो हम अगर आगे आगे तो हम जो हमारी है हम इंटरनेशनल पावर बन जाएंगे, और इंटरनेशनल पावर बनने के बाद यूएसए का अस्तित्व खत्म होता नजर आएगा, यूएसए की कोई फिर नहीं सुनेगा, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है,
जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है तो लोग हमारा साथ ज़्यादा देंगे ना कि यूएसए का, क्योंकि यूएसए में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है, उनकी सोच ही पैसे की तरफ जा रही है, लेकिन हम इंसानियत की तरफ सोचते हैं। हम लोगों ने रोहिंग्या को शरण दी, हम लोगों ने और भी काफ़ी जो देशों से भागे हुए लोग होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उनको हम रख देते हैं, उनको हम शरण दे देते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री एक बहुत ही अच्छी कंट्री मानी जाती है। तो इसलिए हमें ना तो यूएसए आगे आने देना चाहता है और ना ही हमें चाइना आगे आने देना चाहता है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उस टाइम पर अगर माउंटबेटन ने हमें हमारी सेनाओं को नहीं रोका होता, जब हरी सिंह ने साइन किया था मेमोरेंडम पर कि जो हम पाकिस्तान, जो हमने पाकिस्तान में नहीं जाना, हमने सिर्फ इंडिया के अंदर मिलाना है, जो हरी सिंह वो कश्मीर का राजा था, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया था कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को हम भारत में शामिल करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते। उस टाइम अगर हमारी सेनाएं एक दिन पहले पहुंच जाती तो हम जो पाकिस्तान POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है जो अभी पाकिस्तान के अंडर है, अगर हमारी सेनाएं एक दिन पहले यहां पर पहुंच जाती तो अभी जो हमारा सारा कश्मीर हमारे पास होता, पाकिस्तान का वहां पे कब्जा नहीं होता। फिर दूसरी ऊपर से आग में घी का काम किया यूएन ने क्या किया, जहां जहां पे सेनाएं पहुंच गई पाकिस्तान और भारत की, और वहीं पर सीज फायर लाइन बना दी। तो अब इन्होंने क्या है, बॉर्डर खींच दिया, बीच में लाइन खींच दिया है, तो अभी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC इन्होंने खींच दी, अभी उस साइड पाकिस्तान की सेनाएं बैठी हैं, इस साइड इंडिया की सेनाएं बैठी हैं। अब यूएन इसका कोई फैसला नहीं कर रहा है, अभी दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कुछ एरिया चाइना को दे दिया है, तो अब कोई भी मीटिंग होती है तो पाकिस्तान कहता है कि चाइना को बुलाओ, हम कहते हैं जब पाकिस्तान और भारत का मामला है तो चाइना इसमें क्या करेगा। अब चाइना भी कहता है कि हमें बीच में आना पड़ेगा क्योंकि आधा कश्मीर हमारे पास भी है, तो अब चीज़ें उलझती नजर आ रही हैं। यूएन ने भी गलत ही किया, यूएन ने भी कोई अच्छा नहीं किया कि हाँ सीज फायर लाइन पर, अगर उस टाइम पे एक बार युद्ध हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स, जान माल के नुकसान उनका भी होता, पाकिस्तान का और हमारा भी होता, लेकिन एक बार युद्ध खत्म हो जाता तो शायद हम अपना कश्मीर वापस ले लेते, हमारे पास आ जाता कश्मीर। लेकिन अब हम हर साल हर दिन एक दो फौजियों की जो हमारी शहीदी हो जाती है, एक दो फौजी मारे जाते हैं वहाँ पे LOC के अंदर, कुछ लोग सियाचिन ठंड के कारण मारे जाते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है जो हमारा रक्षा बजट है वो इतना वेस्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्यों, इसमें यूएन का भी हाथ है। अब यूएन में ज़्यादा किसका दबदबा है, यूएन में ज़्यादा दबदबा यूएसए का है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि यूएसए हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेला था। अभी यूएसए ईरान के साथ, जो हम ईरान से तेल खरीद रहे हैं, कच्चा तेल खरीद रहे हैं, यूएसए ये कह रहा है कि आप ईरान से तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अब यूएसए अभी भी चाहता है कि हम यूएसए की तरफ बिल्कुल ही आकर्षित रहें, यूएसए का हम हर बात हम यूएसए से मान के करें, तो ऐसा हम क्यों करेंगे। तो इसी बारे में बात की जा रही है कि जब चाइना जो एक्साइचिन है पाकिस्तान कुछ हिस्सा, जो पाकिस्तान ने भारत का हिस्सा है कश्मीर का, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था एक्साइचिन, उसके अंदर क्या है कि चाइना ने एक रोड बना लिया 50 किलोमीटर जो अंदर तक भारत के अंदर तक आता है, लेकिन हमारे लोग जो राजनीतिक मुद्दा इसको बनाकर ये कहते हैं कि ये तो इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि हम लोग वहां जा नहीं सकते और वैसे हम लोग पता कर नहीं सकते। तो वो चाइना राइटर कह रहा है कि वो सच में 50 किलोमीटर तक अंदर घुसा हुआ है हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन हम चाइना को खदेड़ने में नाकामयाब है। क्यों? क्योंकि जब कोई सरकार काम करने लगती है तो उसमें उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर विपक्ष उसको टाल देता है। तो कुछ कमियां भारत के अंदर हैं, कुछ कमियां भारत के लोगों में है, और ऊपर से यूएसए पाकिस्तान और चाइना हमारी टांग खींचने पे लगा हुआ है, ये हमें बिल्कुल ही नीचा दिखाने पे लगा हुआ है। अभी यूएसए हमारा हर जगह साथ देता है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे हमारी ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि उसकी हम सबसे बड़ी मार्केट यूएसए की इंडिया के अंदर है, यूएसए के सारे प्रोडक्ट यहीं इंडिया के अंदर चलते हैं, तो इसलिए यूएसए हमारा साथ देता है और यूएसए का हमारे साथ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, वैट घटाने का दबाव। तो अभी क्या है, वैट क्या होता है फ्रेंड्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो हम किसी भी चीज़ को जैसे कच्चा तेल हम लेके आते हैं उसको, उसके हम वैल्यू ऐड करते हैं, तो उसमें पेट्रोल निकलता है, फिर डीजल निकलता है, उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं, तो इनके लिए क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, जो क्या है राज्य सरकारें लगाती हैं, सेंटर भी लगाती है, सेंटर का एक अलग टैक्स है वो जो सभी स्टेट के लिए इक्वल होता है, लेकिन राज्य सरकारें अपना अपना टैक्स लगाती हैं। अभी झारखंड की बात की जा रही है कि झारखंड के अंदर इन्होंने जो वैट है उसको 22% कम किया है, और उससे क्या है पेट्रोल के दाम 7 रुपये नीचे आ गए हैं। तो अगर झारखंड कर सकता है तो बाकी स्टेट्स क्यों नहीं कर सकती। हालांकि झारखंड स्टेट के करने का कारण समझ आ रहा है क्योंकि अभी वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, इस वजह से जो हाल की सरकार है उसने क्या है टैक्स घटा दिया है, तो ये सरकारें कर सकती तो बाकी सरकारें क्यों नहीं कर रही। तो राइटर इसी बारे में बात कर रहा है कि अगर ये लोग राजनीति के कारण ये कर सकते हैं तो बाकी सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, चाहे BJP है, चाहे बसपा है, कोई भी सरकार है, उनको वैट घटाना चाहिए ताकि इससे लोगों को आसानी हो। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर पेट्रोल के दाम डीजल के दाम कम नहीं हुए तो इससे क्या हो सकता है, इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि हमारे ट्रांसपोर्ट है वो महंगे हो रहे हैं, आप लोगों को पता है अभी ट्रांसपोर्ट महंगे हो रहे, तो जो हमारी चीज़ें लाई और ले जाई जाती है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले जाई जाती हैं, अब ट्रक्स के थ्रू जाती हैं, ट्रेन्स के थ्रू जाती हैं, अब डीजल के दाम बढ़ गए तो उनका किराया बढ़ जाएगा, और किराया बढ़ जाएगा तो फिर जो चीज़ है, जो भी फ्रूट 50 रुपये किलो मिल रहा है वो 60 रुपये किलो हो जाए, क्योंकि उसको ले लाने और ले जाने का खर्च
बढ़ जाएगा। तो राइटर इसी बारे में बात कर रहा है कि क्यों ना इस चीज़ों को सरकार पहले ही कंट्रोल कर रही है, क्योंकि बाद में अगर महंगाई बढ़ गई तो फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो सारा खर्चा है ये एक कंज्यूमर की जेब पर आएगा, हमारे आम इंसान की जेब पर आएगा। तो इसलिए सरकारों को महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। अगर अभी ये डीजल और पेट्रोल के दाम रोक लेते हैं तो अभी सही हो जाएगा, लेकिन अगर ये अभी नहीं रुके तो फिर देश में बहुत ही आर्थिक संकट आने वाला है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए, इससे कि मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ बच्चों को मेरी पढ़ाई चीज़ें पसंद आ रही हैं और समझ आ रही हैं। नेक्स्ट है स्वच्छता के लिए सोच बदलें। तो इसमें राइटर है जो भूरे लाल जी, ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम स्वच्छता चाहते हैं तो इसके लिए सरकारें कुछ नहीं करेंगी, NGOs कुछ नहीं करेंगे, जो स्कीम्स चला रही हैं वो कुछ नहीं करेंगी। अगर आप लोग सफाई रखना चाहते हैं तो आप सफाई रख सकते हैं। जैसे कि एक कुत्ता, आप लोगों को पता है डॉग जब वो बैठता है तो अपनी पूंछ फेर कर अपनी जगह साफ करके बैठता है, तो उसके लिए कोई सरकार ने स्कीम नहीं चलाई, उसके लिए कोई NGOs का साथ नहीं देता, वो खुद अपनी पूंछ से सफाई करके बैठता है। तो इसमें क्या कह रहा है राइटर कि अगर हम लोग भारत को शुद्ध करने में कामयाब रहे, अभी बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, तो जो हमारा है ये देश सबसे नंबर वन पर्यटन स्थल बन जाएगा, लोग यहाँ पे घूमने आया करेंगे, ये टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा और टूरिस्ट प्लेस बनेगा तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगी। और ये कह रहे हैं कि स्वच्छता अब कैसे आएगी, NGOs काम कर रहे हैं, वेरी गुड, जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही हैं, वेरी गुड, जो हमारी सेंटर और स्टेट की अलग अलग स्कीम चल रही हैं ये भी गुड है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट कैसे करें। अब जब कोई सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी सफाई करके चले गए, ठीक है, वो सुबह 9 बजे आते हैं सफाई करके चले जाते हैं, उसके बाद सारा दिन रोड खाली रहते हैं, सारा दिन जो मार्केट खाली रहती है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ फर्ज बनता है कि अगर आपने कुछ खाया तो उसको जो वेस्ट बचा उसको डस्टबिन में डाल दें। जब हर एक इंसान, हर एक भारतीय अपना कर्तव्य समझेगा कि ये मेरा देश है मुझे इसको साफ रखना है, तो इस बारे में जो हमारा देश तरक्की करेगा और सफाई जो है, और सफाई फ्रेंड्स किसी कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको सफाई अच्छी ना लगे, हर कोई सफाई रखना चाहता है, लेकिन किसी का कचरा कोई दूसरा साफ करना नहीं चाहता। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग रोड पे देखें कहीं किसी ने कोई वेस्ट गिराया है, कहीं कोई केले का छिलका फेंक रखा है, तो आप लोग उसको उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए, अगर उसके ऊपर गाड़ी का टायर चढ़ गया तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, फिर तो वो मतलब पॉल्यूशन के अंदर ही आ जाएगा। तो इसी बारे में राइटर बात कर रहा है। दूसरी ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अभी 17 लाख मकान और बनाने की बात की जा रही है, अब 17 लाख मकान बन जाएंगे, अब 17 लाख मकान बनने से दिल्ली की आबादी जो 1 करोड़ और बढ़ जाएगी, वो 1 करोड़ आबादी बढ़ने से क्या होगा, अब उन लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाना है, उनके लिए सफाई व्यवस्था करनी है, उनके लिए हॉस्पिटल्स खोलने हैं, अब 17 लाख मकान तो बन गए, अब वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, उनके लिए टॉयलेट सिस्टम अच्छे होने चाहिए। तो ये चीज़ें, सिर्फ ये नहीं कि 17 लाख मकान बना दिए और जो सरकार का काम खत्म, अब ये जो सारी चीज़ें मैंने बताया कि रोड बनाने हैं, टॉयलेट बनाने हैं, सफाई के लिए कर्मचारी, अब इनके लिए मैन पावर चाहिए तो सफाई कर्मचारियों को लगाया जाए, अच्छी अच्छी स्कीमें चलाई जाएँ, अब वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाए। और ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े शहरों में जो हमारी कुछ वैध कॉलोनियाँ होती हैं और कुछ अवैध कॉलोनियाँ होती है, वैध जो सरकार के मर्जी से बनाई गई कॉलोनीज होती हैं, सरकार की मर्जी के बनाई गई जो मार्केट्स होती हैं, कुछ वैध और कुछ अवैध। अब वैध को तो क्या है कि उसके प्रॉपर उनके पास क्लीनिंग जो साफ पीने का पानी होता है, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता है, वहाँ पर रोड भी अच्छे होते हैं, हॉस्पिटल होता है, सफाई कर्मचारी होते हैं, लेकिन जो अवैध कॉलोनी है उनके पास ना ही तो कोई सफाई कर्मचारी, ना ही कोई पीने के पानी की व्यवस्था, ना ही कोई हॉस्पिटल और ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। ये भी तो अभी सफाई, ये भी तो पोल्यूशन इनकी वजह से भी हो रहा है, अब इनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है तो क्या जब इलेक्शन का टाइम होता है तो इनको भी जो वैध घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जो इनको सेवाएँ हैं, बेसिक फैसिलिटीज है, वो इनको मुहैया नहीं करवाई जाती। तो ये किनकी जिम्मेवारी है, ये सरकारों की जिम्मेवारी है कि या तो अवैध कॉलोनियाँ बनने ही ना दें, अगर अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं तो उनको जो सारी फैसिलिटीज है वो सरकार उनको प्रोवाइड कराए, ताकि आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम देश को पीछे ना धकेले, कोई भी बीमारी है वो महामारी में ना फैल जाए। तो इस बारे में राइटर बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो सरकारें हैं, ये इसके अंदर भी वही बात की जा रही कि राजनीतिक मुद्दा, कि अवैध कॉलोनियों को वैध तो घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उनको जो बेसिक फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराई जाती है, लोग बेसिक फैसिलिटी मांग क्यों करें जब इनको पता है कि हम लोग अवैध हैं। अगर ये कोई हाईकोर्ट सुप्रीम जाएंगे तो कहेगा कि आपकी तो कॉलोनी अवैध है, उनको इसलिए फैसिलिटी मांगते नहीं है। तो इनको क्या करना चाहिए कि खुद से अपने सफाई रखनी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, सफाई रखने के लिए लोगों को जागृत करना चाहिए, NGOs को यहाँ पर जाकर काम करना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने पूरा बता दिया है जो क्वेश्चन है, इन जो चार आर्टिकल, आज वाले चार आर्टिकल हैं, इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है फ्रेंड्स, और ये पक्का आएगा। तो आप लोग ध्यान से इनको पढ़िए और समझ लीजिए, थोड़ा बहुत नोट डाउन भी कर लिया कीजिए। अभी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का ये नाम याद रखिए, वो पूछ सकता है कि हाल ही में विश्व बैंक ने कौन सी रिपोर्ट जारी की, या फिर हाई एंड ड्राई क्लाइमेट चेंज व्हाट एंड द इकोनॉमी। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसने लॉन्च किया, किसने ये रिपोर्ट दी है, दोबारा से सुन लीजिए, हाई एंड ड्राई क्लाइमेट चेंज वाटर एंड द इकोनॉमी। तो ये रिपोर्ट किसने लागू की, अभी विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट दी है। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया जा रहा है कि जल संकट और बाढ़ का समाधान हमें अभी करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
क्लाइमेट चेंज होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और ओशियंस पिघल रहे हैं, तो एक तो आने वाले समय में पानी की भयंकर किल्लत होगी, पानी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी, हमें पानी अवेलेबल नहीं होगा। जिस तरह अभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसी तरह से फिर बाद में पानी के दाम भी बढ़ेंगे। अभी किसी जगह पे आप लोग मतलब केरल के अंदर बाढ़ आई, कितने लोग मारे गए, और कई जगह पे अभी सूखा पड़ रहा है, लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारी धरती के अंदर भी कुछ ऐसी जगह जहाँ पे पानी की कमी है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, तो इस बारे में क्या है कि नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह चुके हैं कि आप नदियों को जोड़ दीजिए। अभी दूसरा तथ्य सामने आया कि जुड़ने में नाकामयाब क्यों है, ये क्यों नहीं जुड़ पाती नदियाँ, चाइना ने नदियाँ जोड़ दी। तो इसमें इंदर राइटर खुद ही इसका जो आंसर कर रहे हैं कि जो हमारी सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा कामचोर हैं, बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, उनको दुनिया की परवाह नहीं है। जैसे 5 साल पहले कोई सरकार, अभी एक सरकार बनेगी 2019 के अंदर, वो इलेक्शन जीत जाएगी, 2022 तक तो वो अपने क्या है कि हाँ मजे में रहेंगे कि हाँ हमने भी जीत लिया, हम कुछ करेंगे, हम काम करेंगे। 3 साल तक तो अपनी डींगे मारते हैं, स्कीमों के नाम चेंज कर देंगे। 3 साल बाद इनको क्या याद आएगा कि ओहो 2019 में इलेक्शन हुआ, 2024 में फिर इलेक्शन है, तो अभी अगले इलेक्शन की तैयारी जैसे बीजेपी कर रही है। अब वो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट 2019 में उन्होंने जीतना है, और वो कुछ भी काम कोई भी ढंग काम नहीं कर रहे। हम सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी इस टाइम कोई काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन जो है वो अपना काम करना, हम लोगों ने इलेक्शन जीतना किसी न किसी तरह से। तो इसी बारे में बात की जा रही है। अब नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है। अब नदियों को जोड़ा जाए, ठीक है, कुछ नदियाँ 12 महीने 30 दिन चलती रहती हैं, 12 मासी नदियाँ हैं, कुछ जो टाइम के साथ जो है जब वर्षा होती है तभी वो होती हैं, जो सीजनल रिवर्स होती हैं, तो इन सभी को जोड़ा जाए, इनको ये जुड़ क्यों नहीं पाती? इसके लिए एक तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, नंबर 1 वो पैसा सरकार अलॉट कर देती है, लेकिन 5 साल बाद या कुछ सालों बाद अभी महंगाई बढ़ जाती है, वो पैसा कम बढ़ जाता है, या फिर ये बीच में रुक गया और सरकार की बदल गई, नेक्स्ट सरकार ने कह दिया ये काम करना नहीं, इसको बंद कर दो, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने ये करना ही है, सरकारों को ये पता है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा और ज़्यादा बजट अलॉट कर, दूसरी बात जब महंगाई हो जाएगी तो उस बजट में और पैसा ऐड कर दीजिए, इतनी जैसे 2% महंगाई हुई है तो जितना पैसा दिया उसका 2% और अलॉट कर दिया जाए, इस तरह से काम किया जा सकता है। APJ अब्दुल कलाम कहा था कि सभी नदियों को जोड़ दिया जाए तो भारत के अंदर ना ही तो कोई जल के कारण मरेगा, ना तो कोई भूख प्यास के कारण मरेगा, ना ही कोई बाढ़ के कारण कभी मरेगा, लेकिन ये भी काम सरकारें कर नहीं रही हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। और इसमें एक जो क्वेश्चन SSC के अंदर आ सकता है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इसके जी फॉर्मेशन हुई 1982 के अंदर, याद रखिए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। चलिए इसका हेडक्वार्टर का नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आए। चलिए नेक्स्ट मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। किस देश ने अधिकारियों को सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की निगरानी करने का अधिकार दिया है? तो ये मिस्र देश ने, मिस्र कंट्री, याद रखिए। 18वें एशियाई खेलों की समाप्ति पर पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 8वें स्थान पर, याद रखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर वर्ष 2030 तक 40% समुद्र से जलमग्न हो सकता है? तो बैंकॉक। विधि आयोग द्वारा हाल ही में जारी सिफारिश के अनुसार पुरुषों की शादी की आयु कितने करने के लिए कहा गया है? तो 18 वर्ष, अभी जो है लेटेस्ट, अभी जो है 21 वर्ष चल रही है, लेकिन 18 वर्ष की करने की बात की जा रही है। हाल ही में किस संस्थान पर गंगा दर्शन के लिए 5 सितारा डबल डेकर क्रूज सेवा आरंभ की गई? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर एज इट इज आ सकता है, तो याद रखिए रामप्रसाद वाराणसी के अंदर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये शब्द किसने कहा था? तो ये रामप्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। और फ्रेंड्स, और 15 जो फेमस स्लोगन है जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म 1542 अमरकोट में हुआ था। हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो ये नारा फ्रेंड्स भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी ने दिया था। राष्ट्रपति शासन देश के किस राज्य में प्रथम बार और कब लगाया गया था? तो ये पंजाब के अंदर पहली बार, याद रखिए कि राष्ट्रपति शासन और 1951 में लगाया गया। तो फ्रेंड्स दूसरा एक और आपको हैप्पी इंजीनियर्स डे, आप जो आज जो अभियंता दिवस है इंजीनियर्स डे है, तो जो लोग इंजीनियर्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो इस दिन की। और फ्रेंड्स अभी जो इंजीनियर्स हैं इनको जॉब क्यों नहीं मिल रही, तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको 2-3 मिनट के अंदर एलैबोरेट कर देता हूँ, बता देता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ इनको किताबी ज्ञान दिया जाता है, इनको रटी टाइप चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो टीचर हैं वो भी क्या करते हैं, नो रिसर्च वर्क, कोई प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ क्या है किताबें रटवा दी, पेपर पास करवा दिया और इंजीनियर बन गए, 4 साल बाद डिग्री हाथ में और आप इंजीनियर बन गए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल वर्क की नॉलेज सिर्फ और सिर्फ 0 है, तो इस वजह से जॉब नहीं मिल पाती। अभी क्या चेंजेस करने की बात की जा रही है कि जो बीटेक 4 साल की है उसके अंदर 3 साल स्टडी और 1 साल का फील्ड वर्क, मतलब इसको एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री के अंदर काम करने का, फिर इसको कहीं इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, जहाँ से ये ट्रेनिंग ले रहा था वहीं पे इसकी जो आराम से सैलरी 40,000 से 50,000 रुपये ईयर के बाद मिली शुरू हो जाएगी। जब ट्रेनिंग पीरियड है तो 5,000 से 7,000 रुपये आराम से ले सकता है। और जो एमटेक है उसके अंदर क्या है, 2 साल की एमटेक होती है, तो 1 साल वर्क स्टडी और 1 साल काम का एक्सपीरियंस लेना जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। तो अभी ये चीज़ें भी चीज़ की बात की जा रही है, जल्दी ये चेंजेस हो जाएंगे, और जैसे ही चेंजेस हो गए तो फिर जो बीटेक की स्टडी और एमटेक की स्टडी फिर से बूम पर आ जाएंगी। अभी बीटेक और एमटेक की काफ़ी जो सीट्स है वो खाली रह जाती है, लेकिन जैसे ही ये चीज़ हो गए तो फिर आ जाएंगी, और तब फिर हम शाम से कहेंगे कि हैप्पी जीनियर्स डे की भारत के अंदर जितने भी जीनियर्स सभी को मिल जाएगी, और अभी जॉब्स नहीं मिल रही तो इसका ये कारण है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट,
ये कल के लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिए इनका जो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और एम्बलम ऑफ स्पेन, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है कल के लिए, जो बिहार है, बिहार का जो बिहार के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो जरूर बताइए, और मध्य प्रदेश को कौन कौन सी सीमाएं टच करती, किस किस राज्य की सीमाएं टच करती हैं, इसका जो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए फ्रेंड्स। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से कोई फीस चार्ज नहीं करता, मैं आपको कोई कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी, उसको कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए, दूसरों की हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।